Good morning, my dear students. So today in this video, we are going to discuss new topic of chapter number 4, Roots and Flowers. The topic we are going to discuss is roots for support. You already know that roots support the plant, okay? They anchor the plant. But how do they support the plant and what are the type of the supportive roots present in the plants? किस किस तरीके की roots up फॉर्म होती हैं और किस किस तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट्स में ताकि वो सपोर्ट कर सके किसी भी प्लांट को. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 4. टेक आउट पेज नंबर 30 ऑफ योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. रूट्स फॉर सपोर्ट. सम रूट्स आर मॉडिफाइड टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द ट्री और प्लांट एंड टू हेल्प इट टू स्टैंड अपराइट. सो यू नो कि कुछ रूट्स क्या करती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को किस तरीके से ताकि वो एडिशनल सपोर्ट दे सकें. एक तो सपोर्ट वो करती हैं कि प्लांट को वो फिक्स करती हैं सॉइल में, बट उसके अलावा वो कैसे सपोर्ट कर सकती हैं किसी भी ट्री को या प्लांट को सीधे खड़े होने में. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सपोर्टिव रूट्स. ठीक है, कितने टाइप की रूट्स होती हैं सपोर्ट रूट्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूट्स. दे आर प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, बटरस रूट्स एंड क्लाइंबिंग रूट्स. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूट्स. ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट देम. लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉप रूट्स. सो एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, प्रॉप मीन्स to give support or anything that is like a pole. कोई भी पोल की तरह जो काम करे और किसी चीज़ को सपोर्ट करे, that is known as prop. ठीक है, तो prop roots are aerial roots of trees. Now you must be wondering what is aerial roots, what are aerial roots. So aerial roots वो roots होती हैं जो कि present होती हैं above the ground. Usually roots are present below the ground, but aerial roots are present above the ground. They hang from the heavy branches and grow vertically downward and penetrate the soil. They become thick and look like pillars. So क्या कह रहे हैं, they hang from the heavy branches. So you can see कि this is the tree and ये रही उसकी branches और ये roots जो हैं, these आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहाँ से निकल रही हैं, ब्रांचेस से निकल रही हैं. और ये क्यों निकलती हैं, ताकि ये इन हैवी ब्रांचेस को, इन थिक ब्रांचेस को सपोर्ट दे सके. देखिए, अगर किसी चीज़ का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी अगर उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता. हमारे घर में भी क्या होता है, पहले पिलर्स लगते हैं ताकि रूफ का सपोर्ट मिल सके. ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ तो सपोर्ट चाहिए इतनी हैवी ब्रांचेस को हवा में खड़े रहने के लिए, हवा में सस्पेंडेड रहने के लिए. तो इसलिए ये प्रॉप रूट्स ग्रो करती हैं. ठीक है, टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्प्रेडिंग ब्रांचेस दैट फैन आउट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री. ओके, यू कैन सी कि ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए ये ट्रंक से निकलती हैं. ठीक है, ये ट्रंक से जो भी ब्रांचेस निकलती हैं, ये उन ब्रांचेस को सपोर्ट देने के लिए ग्रो करती हैं. समटाइम्स दे इवन रिप्लेस द ट्रंक और मेन स्टेम. और कभी कभी क्या होता है, ये ब्रांचेस क्योंकि इतनी ज़्यादा निकल जाती हैं तो हर ब्रांच से प्रॉप रूट ग्रो करती है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये मेन स्टेम को ही रिप्लेस कर देती है. जो मेन स्टेम होता है, जो मेन ट्रंक होता है, ये उसे रिप्लेस कर देती हैं. एंड द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉप रूट इज बैनियन ट्री हैज़ प्रॉप रूट्स. सो ठीक है, तो बैनियन ट्री के पास क्या होता है, प्रॉप रूट होता है. बैनियन ट्री हैज़ इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप रूट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स का मतलब भी ये होता है, स्टिल्ट का मतलब होता है टू गिव सपोर्ट, एनी थिंग दैट गिव सपोर्ट एंड फॉर्म अ लेग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो सपोर्ट दे सके. तो दीज आर द रूट्स, एरियल रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड गिव एडिशनल सपोर्ट टू अ प्लांट. अब आप लोगों को पता है कि स्टिल्ट रूट का मतलब सपोर्ट हो गया, तो ये किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. अब कैसे करती हैं वो पढ़ेंगे. दे ग्रो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम. प्रॉप रूट कहाँ से ग्रो कर रही थी, ब्रांचेस से. ठीक है, ब्रांचेस से निकलती हैं, लेकिन ये स्टिल्ट रूट कहाँ से ग्रो करती है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम से. यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस फिगर, कि ये जो स्टिल्ट रूट्स हैं, ये कहाँ से निकल रही हैं, मेन स्टेम से, और ये ऐसे ग्रो कर रही हैं नीचे तक, ज़मीन तक. ठीक है, सॉइल तक जा रही हैं. और ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, एक लेग जैसा, है ना. So they are saying they are short and provide support to a plant like the ropes of a tent. अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये टेंट है और इसकी ये रोप्स निकल रही हैं, सपोर्टिव रोप्स.
तो ये क्या हो, इन्होंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जब हम टेंट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रोप्स को सपोर्ट देने के लिए उसे बांध देते हैं। सिमिलरली इसमें भी ये शॉर्ट है और ये सपोर्ट दे रही है किसको, मेन स्टेम को। द एग्जाम्पल्स आर मेज, शुगर केन एंड सम पाम ट्रीज हैव स्टिल्ट रूट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिल्ट रूट्स। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट that we will study is buttress root. So buttress root are found in trees that grow in area where the soil is not very rich in water and minerals and do not grow deep into the soil. First of all, what is the meaning of buttress? We will understand the meaning of buttress. Buttress का मतलब होता है ऐसी roots या फिर ऐसा कोई structure जो कि support देने के काम आता है, ठीक है? अगर आपके, for example, if you see कि आपके दीवार पे जो है crack पड़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उसके just against, उसके बराबर में ऐसा कोई structure बना दें, ऐसे stones की या cement की छोटी सी lining बना दें बाहर उसको support देने के लिए, ताकि वो रुक जाए, ताकि वो टूटे नहीं। तो सिमिलरली बटरस का मतलब ये होता है सपोर्ट, स्ट्रेंथ देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ा देना। तो दे आर फाउंड इन, ये उस जगह पे ग्रो करती हैं जहाँ पे सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर और मिनरल्स में रिच नहीं होती है, इसी वजह से क्या होता है ये ज़्यादा अंदर तक ग्रो नहीं करती हैं। As the tree grow bigger and taller, their roots cannot provide enough support to the tree to stand upright. अब ऐसा क्यों होता है कि ये सही से ग्रो नहीं करती हैं, डीप नहीं जाती हैं सॉइल में? बाकी तो सब डीपली ग्रो करती हैं, बट ये क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इन ये जो सॉइल है ये रिच नहीं होती है, इसकी ये जो होती है इसमें वाटर और मिनरल्स की कमी होती है, तो इसी वजह से ये बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से ये इनफ सपोर्ट नहीं दे पाती हैं किस चीज़ को, प्लांट को या फिर ट्री को, टू स्टैंड अपराइट, टू स्टैंड स्ट्रेट। इसी वजह से क्या होता है, देयरफॉर बटरस रूट्स ग्रो फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री स्टिकिंग आउट एट द बेस ऑन टॉप ऑफ द ग्राउंड टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। सो इसी वजह से क्या होता है, बटरस ट्रीज रूट्स ग्रो करती हैं कहाँ से, ट्रंक से, ऑफ द ट्री से, स्टिकिंग आउट एट द बेस ऑन टॉप ऑफ द ग्राउंड। तो सी, यू कैन सी कि ये कहाँ से निकल रही हैं, स्टेम से निकल रही हैं, और ये कहाँ तक पहुँच रही हैं, सॉइल तक, ठीक है? ये अंदर डीप डाउन सॉइल में जा रही हैं, और ये कहाँ पर पहुँच रही हैं, बेस से निकल के जा रही हैं, ठीक है? बेस से निकल के ग्रो कर रही हैं और ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ट्री को। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स हो गए हैं, पहले कम रूट थी तो क्या होता था, कम न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होते थे, कम मिनरल्स और वाटर अब्जॉर्ब होता था, लेकिन अब जितनी एक्स्ट्रा, जितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करेंगी, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से। Buttress roots from meshes on the ground and provide support to trees. और buttress roots क्या form करती हैं, meshes form करती हैं किस पे, ground पे, और उसी को support करती हैं tree को। यहाँ meshes का मतलब क्या हो गया, meshes का मतलब हो गया एक network बना देती हैं, किसका, roots का network। सी so many roots आ जाए तो ये क्या बना दी, एक structure बना दिया इन्होंने roots का, इसी को हम बोलते हैं meshes। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, फिग ट्री, फाइकस एंड येलो कैराबीन हैव बटरस रूट्स। सो दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ बटरस रूट्स। अनदर टाइप ऑफ रूट इज़ क्लाइंबिंग रूट्स। अब आपको क्लाइंबिंग रूट के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है? क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, तो ऐसी रूट्स जो चढ़ती हो, कहाँ पे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर एरियल रूट्स दैट अराइज फ्रॉम वीक स्टेम्ड प्लांट्स टू हेल्प देम क्लाइंब अप अ सपोर्ट। तो ये कैसी रूट्स होती हैं, ये भी एरियल रूट्स होती हैं, अबव द ग्राउंड होती हैं, और ये कहाँ से निकलती हैं, वीक स्टेम से, टू हेल्प देम क्लाइंब अप अ सपोर्ट। और ये क्यों निकलती हैं, क्योंकि अगर किसी का वीक स्टेम है तो क्या होगा, वो पेड़ जो है वो सीधा खड़ा नहीं होगा, वो गिर जाएगा नीचे, तो इसी वजह से ये सपोर्ट देने के लिए जो भी आसपास स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसके पास एक डंडा खड़ा कर देंगे बड़ा सा, तो वो उस डंडे पे क्लाइंब कर लेगी, उस डंडे पे अपने आप को चढ़ा लेगी वो प्लांट, ठीक है? ये रूट्स ऐसी होती हैं। दे क्लाइंब ऑन एन एक्सटर्नल सपोर्ट स्ट्रक्चर टू एक्सपोज देयर लीव्स टू सनलाइट। और ये क्यों ऐसा करती हैं, ताकि इनकी लीव्स को सनलाइट मिल सके। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में लीव्स जो है वो आपका खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। फोटोसिंथेसिस जो होता है, एक प्रोसेस होता है वेयर अ प्लांट मेक्स इट्स फूड, वो लीव्स से में ही होता है, तो इसी वजह से अगर सनलाइट नहीं मिलती है तो ये फूड भी नहीं बन पाएगा, इसलिए इनको सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये क्लाइंबिंग रूट्स जो होती हैं ये प्लांट को
चढ़ाने में मदद करती हैं. सो द एग्जाम्पल्स आर बीटल, लॉन्ग पेपर एंड ब्लैक पेपर हैव क्लाइंबिंग रूट्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबिंग रूट्स. यू कैन ऑल्सो सी हेयर द स्ट्रक्चर. ये देखिए ये रूट्स जो हैं ये क्लाइंबिंग रूट्स हैं. ये पूरा जो है इन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट पे अपने आप को चढ़ा लिया है. सो द लास्ट वन इज़ ब्रीदिंग रूट्स. ओके, ब्रीदिंग के नाम से ही पता चलता है कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है. ब्रीद करना मतलब सांस लेना. तो ऐसी रूट्स जो सांस लेती हूँ आर फाउंड इन प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉल्टी वाटर एंड मार्शी रीजन्स. ओके, सो दे आर सेइंग ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, सॉल्टी वाटर में, ठीक है, नमक के पानी में या फिर मार्शी रीजन्स में. मार्शी का मतलब क्या होता है, एन एरिया विच इज़ सॉफ्ट एंड मडी. वो एरिया, वो पानी जो कि सॉफ्ट हो और उसमें मडी हो, मिट्टी भी हो, ठीक है. तो ऐसे रीजन्स को क्या कहते हैं, मार्शी रीजन्स. द सॉइल इन दिस रीजन्स हैज़ लिटिल एयर. अब क्या होता है कि इन इसमें जो सॉइल होती है इन रीजन्स में, ऐसे एरियाज़ में, इसमें बहुत कम एयर होती है. देयरफॉर द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो वर्टिकली अबव द वाटर टू एब्जॉर्ब एयर. क्योंकि इसके पानी में, इनकी सॉइल में, इनके सॉइल में जो होती है वो बहुत कम एयर होती है. अब एयर कहाँ से मिलती है, यूजुअली सराउंडिंग से और सॉइल से. अब क्योंकि इनकी सॉइल में ही कम एयर है, इसलिए ये रूट्स कहाँ ग्रो करती हैं, वर्टिकली अबव द वाटर. ये ऊपर ग्रो करती हैं पानी की. यू कैन सी पानी ये रहा और ये रूट्स ग्रो कर रही हैं ऊपर की तरफ. किस वजह से, ताकि इनको एयर मिल सके, ताकि ये एयर एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है. Mangroves have breathing roots. अब एक example क्या है, Mangroves have breathing roots. So these are the type of roots that are present in the plant. Now I'm sharing a video with you where you can understand more about them. Thank you so much. Modifications of adventitious roots for mechanical support. Prop roots. Pillar-like root arising singly from one point of horizontally growing branches and growing vertically downward. Example, banyan. Still roots. Thin, thread-like small roots growing obliquely from the basal nodes of the main stem. Examples, maize, sugarcane, screw pine. Climbing roots. Thread-like roots arising from nodes and internodes and surrounding the support. Examples, beetle, black pepper, money plant, poisonous ivy. Buttress. Thick roots that flare out from the base of large canopy trees, often found on rainforest trees that provide support as well as additional nutrients. Examples, Salmelia, old banyan tree, etc.